खबर है दुमका से। दुमका रेल खंड से 2021 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने की उम्मीद। 2021 में दुमका रेल खंड में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगेगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने को लेकर दुमका से रामपुरहाट, दुमका से बाराहाट एवं दुमका से जसीडीह के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोर शोर से चालू है। दुमका रेलखंड को इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए फरवरी 2022 तक लक्ष्य रखा गया है, पर इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को दिसंबर 2022 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम गुरुग्राम की एक कंपनी केसी इंटरनेशनल कंपनी ने टेंडर लिया है। काम में बाहरी मजदूरों के अलावा लोकल स्तर के मजदूरों को भी काम में लगाया गया है। दुमका विधानसभा सीट पर जदयू ने ठोका दावा। झारखंड में दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही जनता दल ने दुमका सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि बेरमू में बेशक भाजपा अपना प्रत्याशी उतारे, लेकिन दुमका सीट पर जदयू का प्रत्याशी होना चाहिए। इस मामले में उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा की है तथा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जानकारी दे दी गई है। मुर्मू रविवार को अपने कदमा आवास पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर दोनों सीटों पर भाजपा जदयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, अन्यथा दोनों ही हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि 2019 का विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का नतीजा यह हुआ कि 28 में से 26 पर भाजपा की हार हुई। इसके अलावा दुमका के पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर लुईस मरंडी पर भाजपा दाव लगाना नहीं चाहती है और मरंडी ने भी वहां से चुनाव लड़ने के भाजपा के आग्रह को नकार दिया है। ऐसी स्थिति में भाजपा जदयू मिलकर लड़ना ही उपाय है। देश भर में कुख्यात साइबर अपराधियों के गढ़ जामताड़ा से 7 की गिरफ्तारी। साइबर ठगी के लिए कुख्यात झारखंड के जामताड़ा से साइबर अपराधी आखिरकार पुलिस के चुंगल में फंस गए। साइबर थाना पुलिस ने 2.30 लाख रुपए की साइबर ठगी की एक वारदात के मामले में जामताड़ा से 7 साइबर अपराध के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह ने की थी ठगी की वारदात। चारमूड विजेल फरीदाबाद निवासी मुनीश कुमार जैन को सिम अपग्रेड करने का झांसा देकर उन्हें करीब 2,30,000 रुपए उड़ाए थे। इस मामले की जांच के बाद साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बसंत कुमार को पता चला कि यह ठगी जामताड़ा से हुई है। टीम गठित कर 25 अगस्त को उन्होंने 6 आरोपियों समेत संजय मंडल, भरत कुमार मंडल, शत्रुघ्न मंडल, नरेंद्र मंडल को जामताड़ा और सौरभ को पंजाब के जालंधर से दबोचा। जामताड़ा धरने पर बैठे मजदूरों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, उचित मजदूरी दिलाने का दिया भरोसा। जामताड़ा रेलवे साइटिंग में कोयला लोडिंग में कम मजदूरी दिए जाने को लेकर मजदूरों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना को कांग्रेस और मजदूर संगठनों के नेताओं ने समर्थन दिया। इस अवसर पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी व बागमारा धनबाद कांग्रेस नेता स इंटेक नेता रणविजय सिंह भी पहुंचे। इन नेताओं ने भी मजदूरी को मांगों का समर्थन किया। मौके पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह घोर विडंबना है कि मजदूरों को आज भी 80 रुपये मजदूरी दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि 27 साल से अब तक मजदूरों की उनकी मजदूरी के लिए इतने कम पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ 80 रुपये में लोग कैसे गुजर बसर कर सकते हैं, यह चिंता का विषय है। कहीं न कहीं ये ECL प्रबंधन की हुई बहुत बड़ी लापरवाही है, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान की खुशहाली से देश होगा समृद्ध, प्रशांत मंडल। खबर है गोड्डा के पोड़ियाहाट से। पूर्व विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रशांत मंडल ने कहा है कि जब तक देश की किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश की खुशहाली संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान के समक्ष कई समस्याएं खड़ी है, इसके निराकरण के लिए सरकार को बेहतर रणनीति के साथ काम करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिले में कृषि के अपार संभावनाएं हैं। इसी के मद्देनजर पोड़ियाहाट प्रखंड के चतरा गांव में कृषि विश्वविद्यालय के लिए पूर्व की सरकार ने 504 एकड़ जमीन चिन्हित किया था, लेकिन इस विधानसभा सत्र में इस बात पर कोई चर्चा नहीं किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दूरदर्शिता स्पष्ट रूप से सामने आती है। उन्होंने राज्य सरकार एवं सभी जनप्रतिनिधियों से अविलंब कृषि महाविद्यालय को मूर्त रूप देने के पहल की मांग की है। गोड्डा से। सितंबर माह में 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा, जलग्रहण क्षेत्र में पानी। सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में सक्रिय हुए मानसून के जहां किसानों को फायदा पहुंचाए, वहीं जलग्रहण क्षेत्र में लंबे अरसे पानी भरा है। पिछले कई वर्षों जो तालाब व सूखे रहते थे अब उन सरोवर तालाब में पानी भराया है। पानी भरने से ग्राउंड वाटर लेवल भी बेहतर हुआ है। वहीं जल संरक्षण के लिहाजे से सितंबर माह की वर्षा अब तक काफी फायदेमंद रही है। इस जल संरक्षण के लिए कारगर योजना साबित नहीं हो पाई है। अलबत्ता जिन जिन जगहों पर नदी में चेकडम बने हैं वहीं पर पानी रुक पाया है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले एक सप्ताह में जिले में लगभग 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि सितंबर माह अब तक लगभग 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से करीब 120 मिलीमीटर अधिक वर्षा हुई है।
खबर है देवघर से, शहर को मिलेगा राहत, ग्रामीणों के लिए आफत। निर्माणधीन पुनासी डैम का काम पूरा होने के बाद देवघर शहर में पेयजल की समस्याओं को लगभग समाधान हो चुका है। इसका दूसरा पहलू यह भी कि डैम अब तक कई गांवों के लिए आफत भी बन गया है। अस्था व पत्थरघट्टा के ग्रामीण परेशान हैं। अब यहां के ग्रामीणों को पंचायत मुख्यालय तय करने के लिए 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जो कामकाजी ग्रामीणों के लिए संभव नहीं है। ऐसे में पंचायत बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ग्रामीण सहित पंचायत प्रतिनिधि भी इसकी मांग कर रहे हैं। क्या मामला है तो आइए पूरा खबर को जानते हैं। पुनासी डैम का काम अजय नदी पर हो रहा है। अस्ता व पत्थरघट्टा गांव गवाल बदिया पंचायत के अंतर्गत आता है। पुनासी डैम के तहत रिवर क्लोजर बनने के पूर्व ग्रामीण अजय नदी से आसानी से 3 किलोमीटर का सफर तय कर पंचायत भवन गवाल बदिया पहुंच जाते थे, जहां आसानी से पंचायत सेवक और रोजगार सेवक से मुलाकात हो जाती थी। ग्रामीणों ने बताया कि पानी इतना ही रहता था कि उसमें साइकिल के अलावा दोपहिया वाहन भी आसानी से निकल जाता था। रिवर क्लोजर बन जाने के बाद पिछले वर्ष से पूरा पानी जमा रहता है। ऐसे में उन्हें अब गवाल बदिया पंचायत भवन जाने के लिए घूमकर 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अधिकांश ग्रामीणों का परिवार मजदूर व खेती पर निर्भर है। ऐसे में गवाल बदिया पंचायत जाने के लिए पूरा एक दिन का समय बर्बाद हो जाता है। खबर पाकुड़ से। संथाल परगना के महत्वपूर्ण हाट में शुमार हिरनपुर मवेशी हाट के 3 बहुरने वाले हैं। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश विलियम मरानी ने शनिवार को इसे लेकर सीएम से आग्रह किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हिरनपुर मवेशी बाजार में रौनक लगेगी। कोरोना से बचाव के कारण जारी लॉकडाउन को लेकर वर्तमान वर्ष के मार्च महीने से ही मवेशी हाट बंद है। झामुमो के दिग्गज नेता समेत ने भी मुख्यमंत्री और विधायक से मवेशी हाट शुरू करने की आग्रह किया था। विधायक हाट से संबंधित तमाम जानकारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत पहल शुरू कर दी। 2 वर्ष में ही गड्ढा में तब्दील हुआ हरिहरा का चांदपुर पथ। सदर प्रखंड के हरिहरा गंदाई फूर चांदपुर पथ बनने के 2 वर्ष में ही गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस पथ पर लोगों का चलना दुभर हो गया है। उक्त सड़क पर आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। इस पथ की मरम्मत के लिए रविवार को गंदाईपुर गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2017 में योजना स्वीकृति हुआ था, ठेकेदार इस पथ का निर्माण वर्ष 2018 में पूरा कर किया था। सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया था। यह पथ 3,83,67,469 रुपये की लागत से बना है। आचार्यों को मिला एकल अभियान गतिविधियों की जानकारी। जिला मुख्यालय स्थित शहर के एकल अभियान कार्यालय में रविवार को मासिक आचार्य अभियान वर्ग का आयोजन किया गया। अभ्यास वर्ग में एकल अभियान की गतिविधियों से संबंधित जानकारी दी गई, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में मासिक रिपोर्ट की समीक्षा की गई। एकल अभियान द्वारा प्रारंभिक किए गए एकल विद्यालय के संचालन से संबंधित जानकारी ली गई। अंचल कार्यालय प्रमुख गायना मुर्मू प्रांत स्तर पर भेजे गए दिशा निर्देश के बाबत सभी आचार्य को जानकारी उपलब्ध करवाते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संकट को देखते हुए सभी आचार्य अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें, साथ ही बच्चों को इस महामारी से बचाव की जानकारी देते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें। बैठक में प्रतिमा देवी, पिंकी किस्कू, काजोल मेहरा समेत अन्य उपस्थित थे। पाकुड़ में अब होगा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता। पाकुड़ शहर के रानी ज्योतिमय स्टेडियम में रविवार को जिला कबड्डी संघ की बैठक हुई। अध्यक्षता प्रकाश सिंह ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला कबड्डी संघ को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। पाकुड़ जिला में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कराने पर जोर चर्चा की गई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि 18, 19 व 20 दिसंबर को पाकुड़ में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। राज्य संघ के निर्देश पर होने वाली प्रतियोगिता ऐतिहासिक होगी। पदाधिकारियों ने कहा कि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर जवाहर शाह मार्क बास्की, मोहम्मद नईमुद्दीन, संतु चौधरी उपस्थित थे। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने झारखंड प्रदेश का मान बढ़ाया।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद समीर उरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से जिले के भाजपाइयों ने प्रसन्नता जाहिर कर उन्हें बधाई दी है। नगर परिषद अध्यक्ष शपा साहा ने कहा कि पार्टी के नेताओं का मनोनयन कर राष्ट्रीय नेतृत्व ने झारखंड प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। पार्टी को न सिर्फ उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा बल्कि पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहायक भी होगा। नव नियुक्त शिक्षकों ने सरकार के प्रति आभार जताया। शहर के आरजे स्टेडियम में रविवार को नव नियुक्त शिक्षकों की सभा हुई। इसमें 13 जिले के शिक्षक प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। अध्यक्षता विजय भंडारी ने की। शिक्षकों ने सरकार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय पर सरकार का आभार जताया है। सभी शिक्षकों ने मुश्किल क्षणों में गुहार लगाई थी कि सरकार अगर चाह ले तो सभी स्थानीय शिक्षकों को यथावत नियुक्ति को बरकरार रखा जा सकता है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कौशल कबीर का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के जो फैसले आए हैं इससे न केवल जिले के शिक्षक प्रभावित होंगे बल्कि कई विद्यालय तो शिक्षक विहीन हो जाएंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा पाकुड़ के विद्यार्थियों के भविष्य और अधर में अटक जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड इस कड़े फैसले पर पुनर्विचार करते हुए कोई सुलभ रास्ता निकालें। अब खबर साहेबगंज से। झारखंड के कृषि मंत्री के आप्त सचिव का फेसबुक अकाउंट हैक कर ठगी। स्वास्थ्य विभाग के MPW ने साहेबगंज में दर्ज कराई प्राथमिकी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आप्त सचिव नितेश रंजन का फेसबुक अकाउंट हैक कर साहेबगंज में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत MPW शशिकांत झा ने साइबर अपराधियों ने 12,000 रुपये ठग लिए। यह ठगी फोन पे के जरिए हुई। साहेबगंज पूर्वी फाटक के पास रहने वाले शशिकांत ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए नगर थाना में आवेदन दिया है। इस मामले में मंत्री के आप्त सचिव ने भी रांची में पुलिस की शिकायत की है। नितेश साहेबगंज के शांति नगर पोखरिया के हैं। इन दिनों रांची में रह रहे हैं। शशिकांत से उनके अच्छे रिश्ते हैं। शनिवार की रात नितेश के फेसबुक अकाउंट से शशिकांत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। इसके बाद उनके मैसेंजर पर एक संदेश आया जिसमें कहा, हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।